लोगों को रास्ते में रोककर चाकू दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 लोगों को रेहटी पुलिस ने पकड़ा है। इनसे पूछताछ में आरोपियों ने रेहटी तहसील सहित होशंगाबाद जिले में भी कई घटनाएं करना कबूल किया है। पुलिस ने इन छात्र लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले दिनों टावर का काम करने वाले फरियादी ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद थाना प्रभारी अरविंद कुमरे के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि फरियादी ने रेहटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 सितंबर को रात में करीब 8:30 बजे वह स्वयं व उसका साथी रेहटी से अबिदुल्ला गंज जा रहे थे। तभी आरोपियों ने देलाबाड़ी सागौन रिट्रीट के पास सुनसान जगह में उन्हें रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने दोनों को चाकू दिखाकर उसके पास से नकदी रुपए, मोबाइल सहित अन्य सामान लूट लिया। घटना के बाद फरियादी ने रेहटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 392, 441, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने रेहटी के ग्राम सेमरी के पास स्थित वेयर हाउस पर सो रहे चौकीदार को भी चाकू मारा था। इसके अलावा इन आरोपियों ने होशंगाबाद क्षेत्र में भी कई लूट की वारदात करना स्वीकार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ होशंगाबाद के देहात थाना में अपराध क्रमांक 452/21, 453/21 में धारा 392 का मामला पंजीबद्ध किया गया था। एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि ये लुटेरे सुनसान इलाकों में मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहनों को रोककर चाकू दिखाकर उन्हें लूट लेते थे। लूट का सामान सभी आपस में बांट लेते थे। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। थाना रेहटी में सूचना मिली थी कि शाम लगभग 8:30 बजे दो व्यक्ति यहाँ से गुलगंज की तरफ जा रहे थे, उनको रास्ते में रोक करके 3 व्यक्तियों ने ओवरटेक करके रोका और उन्हें चाकू दिखा करके मोबाइल और उनसे रुपए लूट लिए। घटना की सूचना के बाद FIR की गई और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल टीम का गठन किया गया और एडिशनल SP साहब द्वारा भी लगातार प्रकरण का निरीक्षण करके सतत मार्गदर्शन दिया गया। परिणामस्वरूप जो गठित टीम है उसके द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू एवं लूटे गए मोबाइल एवं पैसे के बारे में कर लिए गए। पकड़े गए आरोपी ने और कहीं भी लूट का कहीं भी लूट की है क्या? जी हाँ, आरोपियों ने भी होशंगाबाद जिले की 2 लूट करना स्वीकार किया है। इस प्रकार इस गैंग के द्वारा, गिरोह के द्वारा 3 वारदातों को स्वीकार किया गया है और अन्य वारदातों में भी पूछताछ जारी है। कितने आरोपी हैं सर ये लूट के यहाँ पर देलाबाड़ी में जो लूट की थी इन लोगों ने? घटना में 3 आरोपी ज्ञात हैं और 3 को गिरफ्तार किया गया। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के रेहटी से मुकेश मेहता की रिपोर्ट।